the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct and action. नोटिस मिलिया, सब कुछ हिलिया, एक नोटिस ने पीडीएम को मलिया मेट कर दिया, जियालो ने सारे ओहदे छोड़ने का ऐलान कर दिया, बिलावल ने लफ्जों से हमला किया, बोले इस्तीफे देने हैं तो दे दो, फैसले मुसल्लत ना करो, इस्तीफे एटम बॉम्ब है, आखिरी हथियार हैं, यही मौकफ था और यही मौकफ है, जो हुकूमत गिराना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, मुत्तहिदा ओपोजिशन से गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव committee demands unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. PDM bilkul mashallah qaim hai, notice dene ka faisla PDM ka tha, kisi ek jamaat ka nahi tha, aur iske upar kya karna hai, ye Maulana Fazlur Rehman sahab ki danishmandana able qiyadat ke upar hum chhodte hain. फैसला सबका था, मरियम का नोटिस का दिफा, आगे का फैसला मौलाना पर छोड़ दिया। कहती हैं मकसद बहुत बड़ा है, पीडीएम आज भी मुत्तहिद है। तरीन और पीटीआई में जाहरी दरार नजर आई तो लीगी रहनुमा भी बोल पड़ी, कहा जब तरीन का नमक खा रहे थे तो वो शुगर माफिया नहीं थे, मशवरे देने लगी, कॉल सुनाने लगी। जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को इससे इबरत सीखें। जहांगीर तरीन साहब को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कॉल याद कराना चाहती हूँ कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शो कॉज नोटिस जारी होना वापस होना चाहिए तो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन आप मुंतखब हों और हुकूमती इतिहाद से वोट लेके मुंतखब हों, ये बेअसूली है। नोटिस वापस तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी वापस, राना सनाउल्ला का जियालो को जवाब, बोले पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त हुकूमत से साजबाज करके हासिल की, ये नाकाबिले कबूल था। लड़ाई पीपल्स पार्टी या एएनपी से नहीं, सेलेक्टेड टोले से है, आए जिद्दोजहद का हिस्सा बन जाएं। माफी तो कम लफज है, कान पकड़ने पड़ेंगे, उनकी बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने। शो काज नोटिस देना कोई उनके मजारे हैं, कोई उनके मुलाजम है, जो कुछ बिलावल ने कहा मेरा ख्याल है उसका हक बनता है। ऑपोजिशन की सफ़ें बिखरने पर वज़ीरे दाखला खुश, बिलावल का मौकिफ दुरुस्त करार दिया। शेख रशीद कहते हैं पीपल्स पार्टी तो क्या, नून लीग ने भी इस्तीफे नहीं देने थे, कुछ दिन बाद तरदीद भी आ जाएगी। तहरीक लब्बैक का कराची और लाहौर समेत कई शहरों में एहतजाज, जगह जगह मुजाहरों से बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी रुल गए, मीलों तक गाड़ियों की कतारें, क्या बच्चे क्या बड़े क्या खवातीन सभी अजियत में मुब्तला, दोनों बड़े शहरों की बड़ी और अहम शाहराओं पर गाड़ियां फंस गईं। कराची में पाकिस्तान चौक पर ट्रैफिक हादसे में जख्मी खातून को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी रास्ता ना मिला। FIA ने जहांगीर तरीन से 8 सवालात का जवाब मांग लिया, 13 अप्रैल तक जमा करवाने की हिदायत, बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल भी देनी होगी। चीनी स्कैंडल में अगला हफ्ता शुगर मिल्स मालिकान पर भारी पड़ने का इम्कान, सवाल नामों का तसल्ली बख्श जवाब ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उनको गवर्नर साहब की क्यादत में दूर होना चाहिए और वो जो कह रहे हैं कि उनकी विक्टिमाइजेशन है तो उनको वो चांस ऑफ हेयरिंग दिया जाना चाहिए, तो वो गवर्नर साहब है वो लीड करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत और तरीन में बढ़ते फासले कौन मिटाएगा, गले कौन मिलवाएगा? फिरदौस आशिक अवान ने गवर्नर पंजाब से सालिस बनने की अपील कर दी, कहा जहांगीर खान तरीन हमारे हैं, गिले शिकवे दूर होने चाहिए।
मरियम को इंक्वायरी के लिए बुलाया, गिरफ्तारी के लिए नहीं। जाती उम्रा राजी केस में नैब का लाहौर हाईकोर्ट में बयान, गिरफ्तार करना हो तो 10 रोज पहले इत्तला दें। अदालत ने हिदायत देकर दरख्वास्त निपटा दी। मरियम नवाज ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी का मंसूबा था। लॉन्ग मार्च टलने पर गिरफ्तारी टली, शहबाज शरीफ की मुश्किलात भी बढ़ गई। नैब रावलपिंडी पंजाब को ऑपरेटिव बैंक तैनाती केस में कोट लखपत जेल जाकर तफ्तीश करेगी। सिंध के एतराज़ात मुस्तरद, मुश्तरका मफदात कौंसिल ने मर्दम शुमारी नतायज जारी करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत का रवां साल सितंबर या अक्टूबर में नई मर्दम शुमारी कराने का भी फैसला। असद उमर कहते हैं आइंदा इलेक्शन नई मर्दम शुमारी पर ही होंगे। आज मुश्तरका मफदात की कौंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मर्दम शुमारी के जो नतायज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। डेस्का में शिकस्त क्यों हुई, वजीर आजम का नाराजगी का इजहार, कहा रिपोर्ट बनाएं, वजूहात बताएं। पीटीआई पंजाब के सदर एजाज चौधरी एक हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। 19 फरवरी और 10 अप्रैल के नतायज का मुवाजना भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना अमवात पंजाब से ज्यादा, मुल्क में 58 में से 33 हलाकतें केपी में हुई। शेखुपुरा में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 25% रिकॉर्ड। मुल्क में 4,584 नए केसेस रिपोर्ट। पाबंदियों को संजीदा ना लिया तो सूरत हाल बिगड़ जाएगी, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। वफाकी हुकूमत कोरोना वैक्सीन की कीमत 10 रोज में मुकर्रर करे, सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। कराची के वैक्सीनेशन मराकज पर नई चीनी वैक्सीन लगना शुरू हो गई, कैंसिनो बायो की एक ही डोज काफी है। वैक्सीन 60 साल बुजुर्गों को भी लगाई जाएगी, एनसीओसी ने मंजूरी दे दी। सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, मिस्र, लबनान, यमन और इराक समेत कई ममालिक में कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। मसला ही नहीं है कि हम चांद देख सकते हैं या नहीं देख सकते, अब तो शरई मसला अगला जो आपको जिसके ऊपर सोचना है वो ये है कि अगर 2025 में या 2030 में जो लोग चांद के ऊपर होंगे उन्होंने ईद कैसे मनानी। चांद देख सकते हैं या नहीं ये तो मसला ही नहीं, वजीर बराए साइंस फवाद चौधरी कहते हैं रमजान और ईद के चांद देखने में रोयत हिलाल कमेटी की मदद करेंगे। स्पार्को का इदारा वजारत साइंस के कंट्रोल में देने का मुतालबा। अनदेखा पाकिस्तान में देखिए 2000 साल पुराना टैक्सिला जो अब कहलाता है टैक्सिला, इस्लामाबाद के नजदीक आधा जेर जमीन, हजारों साल पुरानी तहजीब का अमीन और तामीराती महारत का शाहकार। और साजिशों के जाल, नेजे, तीर और तलवार के वार, अब तुर्क नहीं खासुल खास अपना अर्तगल देखिए, मगर कैसे आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में।